हमारे बच्चे हम कैसे दिवाली मनाएंगे आज, हम नहीं मना सकते ऐसे। लेकिन सरकार है, सरकार हमारी तरफ, हमारे बच्चों की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे घर पे दिवाली जैसा कुछ भी नहीं है, हम दिवाली मना ही नहीं सकते उनके बिना। किसानों की तो ये काली दिवाली है, हमारे तो बुरे दिन आ गए। मोदी कहता था अच्छे दिन आएंगे, हमारे तो बुरे दिन आ गए। घर वालों को भी कर क्या, अब की बार कोई दिवाली नहीं मनानी है। डीएपी का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। डीएपी खाद का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। कट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेजेपी सरकार मुर्दाबाद। अब की बार जानबूझकर ये सरकार डीएपी के लिए किसान को दुखी कर रखा है। डीएपी नहीं मिलेगा तो एक एकड़ में कम से कम 20 मन का घाटा है। और आज हम दिवाली भी नहीं मना रहे हैं, दिवाली ना मना के यहीं बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे जब तक खाद नहीं आएगा। इसी तरह ये आंदोलन हमारा भूख हड़ताल का चलता रहेगा। हमने परसों सिंह होटल के पास जाम लगाया था, करनाल से डीडीए साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि परसों को 3 तारीख को 3 बजे तक असंध में खाद पहुँच जाएगा। लेकिन कल हमने इंतज़ार करके, हम 3 बजे तक इंतज़ार किया, उसके बाद हम 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं और बाकी साथी वैसे हमारा सहयोग कर रहे हैं आंदोलन में। सभी को यही सोचते हैं भी हमारा आदमी मतलब घर रहना चाहिए, खुशी से दिवाली मनानी चाहिए। लेकिन उनको पता है, उनको पता है अगर खाद नहीं मिलेगा, खेत में गेहूं नहीं जन्मेगा तो घर रह के भी क्या करेगा। मैं तो अपने घर पर कल कह के आया था भी 3 दिन के बाद आऊँगा, अगर 3 दिन भी खाद नहीं आएगा तो इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे। हमारी तो जी ऐसी है, दिवाली मनाई नहीं जा रही। जो घर का मेंबर है वो वहीं भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, खाद नहीं मिल रहा है, खेती बार बार सूखी जा रही है। पहले भी नहीं कुछ हुआ था, अब नहीं होगा तो बच्चों का गुजारा कैसे चलेगा। मेरे बड़े पापा किसान आंदोलन में आज असंत भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आज दिवाली के दिन भी वो बैठे हुए हैं, और हमारे घर पे दिवाली जैसा कुछ भी नहीं है। हम दिवाली मना ही नहीं सकते उनके बिना, क्योंकि वो होते थे हमारे लिए, पटाखे लेके आते थे, मिठाइयाँ लेके आते थे, पर आज कौन लेके आएगा। वो हमारे घर के अन्नदाता, हमारे लिए सब कुछ थे, पर आज तो वो है ही नहीं। मेरे जैसे बहुत बच्चे जिनके पेरेंट्स आंदोलन में बैठे हुए हैं, उनके घर दिवाली मन ही नहीं रही है। सरकार कुछ सुन नहीं रही है, कुछ देख नहीं रही है, ना हमारे बच्चों की तरफ, ना हमारे परिवार की तरफ, ना हमारे खेतों की तरफ। किसान तो पहले ही मरा पड़ा है, और आज देखो दिवाली का त्यौहार है, और फिर भी देखो हमारे घर के जो मेन मेंबर हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे हैं जो वो बोल रहे हैं कि पापा कब आएंगे, ताऊ जी कब आएंगे, कब हमारे लिए कुछ पटाखे वगैरह लेके आएंगे, सामान लेके आएंगे। त्यौहार पे हम अपना जो त्यौहार है वो अपने तरीके से भी नहीं मना पा रहे हैं। सरकार से यही गुंजाइश है कि वो किसानों की तरफ देखें, उनके बारे में कुछ सोचें।